सेफ्टी बना हुआ है, नहानी बना हुआ है, मैं अंदर नहीं देख रहा हूँ कि आप सेफ्टी जा रही है क्या बाथरूम। आपको बाथरूम में यहाँ पर अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं आप, इसका मतलब सिर्फ पैसों के लिए आप लोगों ने शौचालय खोल रखा है। यहाँ पे हम पैसे पैसे फ्री का नहीं है, फ्री का नहीं है ये पैसे। आपको कोई महिला अगर बोल रही है कि मुझे बाथरूम जाना तो आप उसको जाने नहीं देंगे? ऐसा कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप किसी महिला को बाथरूम जाने से रोके? हम जाने के लिए क्यों रोकेंगे? हम पैसे लिए कर रहे हैं, पैसे लगते हैं जी। ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर शौचालय का पैसा लगता है, बाथरूम जाने का पैसा नहीं लगता। अगर कोई महिला इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है और आपसे बोल रही है, वो भी आप मीडिया एक मीडिया की वर्कर आपसे बोल रही है कि मुझे बाथरूम जाने दीजिए, मुझे बाथरूम जाना है, तो आप नहीं जाने देंगे? यहाँ सिर्फ नहानी है और सेफ्टी है। अब अंदर आप बाथरूम जा रही है कि लाइटिंग? नाम क्या है आपका? ये हमें नहीं पता है। आपका नाम बताइए, नाम बताइए आप। नाला कहाँ के सर? यहाँ पर किस पद पर है आप बताइए। मैंने मैं उसमें कैसे बताऊंगा, आपको खुद मालूम है। अच्छा, आप राइट लेने मेरा ये लेने आए सर? यहाँ पर अभी एक मामला मैंने आपको बताया, शौचालय में बाथरूम जाने का भी लोगों से पैसा मांगा जा रहा है सर, ये कहाँ तक उचित है? बाथरूम जाने का पैसा लगता है कि शौचालय का पैसा लगता है? नहीं वैसे तो आज तक कभी शिकायत आई नहीं है हमारे पास। जबकि मैं सामने थी और मेरे साथ खुद बीती हुई बीता हुआ मामला है ये सर, आपका इसमें क्या कहना है सर? वीडियो है मेरे पास, सारी चीजें हैं। वीडियो में वो उल्लेख जो अपने शौचालय जिस बंदे को मिला हुआ है वो बंदा उसमें दिख रहा है, आपने वीडियो दिखा दी उसमें। जो बंदा वहाँ बैठा के रखे हैं आप, वो बंदा कौन है सर? हमको क्या मालूम भाई, उसकी रात दिखा दूँ मैं। शौचालय में कोई बंदा अगर बाहर का व्यक्ति आकर बैठता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? हमको जो ठेकेदार को भी है, उस ठेकेदार से वो ठेकेदार किनको बिठाते हैं, ठेकेदार के ऊपर है कौन सा कर्मचारी को बिठाया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आकर घुसकर वहाँ बैठ जा रहा है, कोई भी घुसकर चला जा रहा है भाई, हम तो ठेकेदार के नाम से हम एजेंटी करके दिए हैं। दूसरी बात ये है कि सर उसका कहना है कि जब हम उसको बोल रहे हैं कि बाथरूम में जाना है या कुछ करना है, तो वो आदमी जो है बाथरूम जाने के पैसे मांग रहा है, पैसे मांगने के साथ साथ वो आदमी बोलता है जाइए आपको जिसको जाकर बताना है बताइए। यानी शासन और प्रशासन के नियमों का कोई किसी को डर या कोई भी खौफ नहीं। इस तरीके से अगर